मेरा बेटा कल अपने वतन जिसे उसने रोशन बनाया वापस आ रहा है, ताकि मैं फिर से उसका माथा चूम सकूं। मेरे बेटे नवाज शरीफ, मरियम और सफदर के ख़िलाफ़ नाहक फैसला आया और मैं इन तीनों को जेल नहीं जाने दूंगी, और अगर इनको जेल भेजा गया तो मैं भी साथ जेल जाऊंगी। मेरा ईमान है कि ये तीनों बेगुनाह हैं और अल्लाह ताला इनकी हिफाज़त करेगा। ज़ालिमों को खुदा के खौफ और उसकी पकड़ से डरना चाहिए, जबकि अदालत ने खुद फैसले में लिखा है कि करप्शन साबित नहीं हुई तो फिर सज़ा इस बात की दी जा रही है। मेरे बच्चों को सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाने और मुल्क से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी इतला दुरुस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा एक महीने के बाद एग्जैक्टली आज एक पहला महीना खत्म होता है जो ना, और उन्होंने आज आंखें खोली हैं। माशाल्लाह आंखें खोली हैं और आंखें झपक भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी यानी इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन काफी देर से उनकी वेंटिलेटर सेटिंग्स भी जो है वो रिड्यूस कर रहे थे, और उनकी जो सेडेटिव्स जो बेहोशी की दवाइयां वो भी जो है रिड्यूस कर रहे थे। तो आज उन्होंने आंखें खोली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आंखें झपकी भी हैं, इधर उधर देखा भी है। अब इससे ज्यादा कोई बात नहीं है इस वक्त, बस ये दरख्वास्त है कि उनको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।